जी जनाब, आज हम जा रहे हैं जंडोला टू साउथ वज़ीरस्तान में। अब्दुल वदूद बटनी आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ और आज मैं आप लोगों को बताऊंगा जंडोला टू साउथ वज़ीरस्तान का टूर। और साथ कज़न है, दोस्त है, चार गाड़ियों में हम लोग जा रहे हैं। इस वक्त रवाना हो रहे हैं, बिल्कुल ये मेरे घर के सामने हैं इस वक्त हम। और काफ़ी अच्छा इन्वायरमेंट है, काफ़ी अच्छा माहौल है। आगे की तरफ जा रहे हैं, हमारे साथ रहना, हम आपको गाइड करते रहेंगे और वीडियो को स्किप नहीं करना है आप लोगों ने, मेरे साथ रहने। चलिए आइए जनाब, आगे की तरफ रवाना होते हैं। जी जनाब, इस वक्त हम जंडोला से निकल चुके हैं। ये जंडोला का इलाका है जिसको कहते हैं तोरपल पश्तो में, और उर्दू में इसको कहते हैं काला पुल या ब्लैक पुल इंग्लिश में। सो अंग्रेज़ों का बनाया हुआ पुल था ये, और यहाँ पे कुछ टाइम पहले बारिशें हुई थी और बारिश के तेज़ पानी आया और पुल को गिरा दिया था, क्योंकि इस पुल का रंग जो था बिल्कुल काला था, इसलिए लोग इसको तोरपल कहते थे, यानी काला पुल कहते थे। और FW वालों ने 2013-2014 में इस पुल को कम्प्लीट किया, इसको जंडोला पुल का नाम दिया गया। सो हम जा रहे हैं साउथ वज़ीरस्तान के साइड पे, अभी तो केडर कॉलेज भी आएगा रास्ते में, आपको दिखाएंगे और वज़ीरस्तान के बारे में हम आपको बताएंगे, हमारे साथ रहे। जी जनाब, इस वक्त हम स्पिनकर रखे पहुंच चुके हैं साउथ वज़ीरस्तान के इलाका, जो केडर कॉलेज भी है। ये आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, ये केडर कॉलेज है स्पिनकर रखे का, और ये बिल्कुल हम केडर कॉलेज के साथ जा रहे हैं स्पिनकर रखे। और अभी भी हम आपको आगे आगे गाइड करते रहेंगे, हमारे साथ रहने आप लोगों ने। इस वक्त हम तकरीबन सरोगा पहुंचने वाले हैं, और ये रास्ता आप देख सकते हो। और जनाब, ये साउथ वज़ीरस्तान का इलाका है सरोगा, तकरीबन थोड़ा बहुत रह चुका है, फिर हम सरोगा पहुंच जाएंगे। और इससे आगे का जो इलाका है वो काफ़ी खूबसूरत इलाका है, और फिर खूबसूरती और सरसब्ज़ और शादाब पहाड़ आप लोगों को नज़र आ रहे होंगे। हम आगे जा रहे हैं और आपको दिखाते रहेंगे, लेकिन हमारे साथ रहना है आप लोगों ने। जी जनाब, इस वक्त हम सरोगा पहुंच चुके हैं। सरोगा का जो बड़ा बाजार है जो आर्मी वालों ने बनाया, वो हमने नहीं दिखाया आप लोगों को, क्योंकि टाइम कम था और सीधा हम रोड पे आए और दूसरे राइट साइड पे था, हम उस साइड पे नहीं गए। और ये छोटे मोटे दुकानें आप देख सकते हो, असल मकसद सरोगा बताना था आप लोगों को, कि थोड़ा आप लोगों को गाइडनेस हो। ये है सरोगा, और बादल भी आए हुए हैं, बारिश का भी इम्कान है। चलते हैं आगे की तरफ, हमारे साथ रहना। और जनाब ये देख सकते हो आप, ये खूबसूरत इलाका, और ये वज़ीरस्तान ही है आप लोगों को नज़र आ रहा है, ये खूबसूरत शादाब पहाड़ इस वक्त। और काफ़ी अच्छा मौसम है, बारिश जिस तरह मैंने पहले भी बताया था, बारिश होने का इम्कान है, क्योंकि ये बादल आप देख सकते हो, ये पहाड़, ये खूबसूरत इलाका। ये अभी बारिश हुए, पानी थोड़ा मिट्टी इसके साथ मिल चुकी है, लेकिन ये बिल्कुल नीट एंड क्लीन पानी होता है। अभी बारिशें हुई है इसलिए इस तरह है पानी, ये देख सकते हो खूबसूरत इलाका ये। हमारे साथ रहना है आप लोगों ने। जी जनाब, जिस तरह मैं बता रहा था कि मौसम काफ़ी सुहाना मौसम है, काफ़ी अच्छा मौसम, और ये बारिश देख सकते हो, बारिश स्टार्ट हो चुकी है, काफ़ी अच्छा बारिश इस वक्त स्टार्ट है, बारिश हो रही है, और ये खूबसूरत इलाका भी है जनाब। इस वक्त जलाबारी हो रही है, गाड़ी हम लोगों ने साइड पे खड़ी कर दी है, क्योंकि बहुत तेज़ जलाबारी हो रही है। तो और आगे भी हमारी गाड़ी खड़ी है, पीछे भी हमारी गाड़ियाँ खड़ी है, मतलब ये दो गाड़ियाँ वहाँ भी खड़ी है। तो काफ़ी तेज़ जलाबारी हो रही है इस वक्त, ये आप सिर्फ चेक कर सकते हो, बहुत तेज़ जलाबारी हो रही है। तो जनाब, हम आपको आगे भी लेके जाएंगे, हमारे साथ रहना।
मकीन, साउथ वजीरिस्तान का इलाका मकीन हम पहुंच चुके हैं, जो आपको कैमरे के नज़र से हम लोग आपको दिखा रहे हैं मकीन बाज़ार। अभी हम आगे भी जाएंगे, आपको आगे भी लेके जाएंगे, आगे की दिखाएंगे। ये पीछे हमारी प्रियस खड़ी है गाड़ी, और ये मेरे कज़न वगैरह खड़े हुए हैं। ये पीछे तीन गाड़ियाँ और भी खड़ी इस वक्त, और ये पीछे बाज़ार है मकीन का। ये मकीन चौक इसको कहा जाता है। ये पीछे जो है बिल्कुल ये लंबा सा टावर टाइप बना हुआ, ये मकीन चौक। और ये ऊपर देख सकते हो, और जनाब इस वक्त आप देख सकते हो ये पीछे ये तीनों जो गाड़ियां खड़ी हैं हमारी गाड़ियां हैं, और पीछे मेरे कज़न्स खड़े हुए हैं जो आपको कैमरे में नज़र आ रहा है। ये है मकीन, अभी हम आपको आगे भी लेके जाएंगे, हमारे साथ आप लोगों ने रहना है। और खूबसूरत मौसम है, काफ़ी अच्छा मौसम इस वक्त, खुशगवार मौसम है, हल्की हल्की बारिश भी हो रही है, और बहुत फिट मौसम है। आगे लेके जा रहे हैं, मैं आपको आगे लेके चलूँगा और दिखाऊँगा, हमारे साथ रहना। ओके चले जनाब, आगे की तरफ रवाना होते हैं। मौसम बहुत फिट है इस वक्त, और बारिश स्टार्ट हो चुकी है तकरीबन। ये आप बैकग्राउंड चेक कर सकते हो, काफ़ी खूबसूरत मौसम है, बारिश स्टार्ट हो चुकी है तकरीबन। अभी हम कनिगोरम के साइड पे जाएंगे, और जैसे हम कनिगोरम पहुंचेंगे फिर हम आपको दिखाएंगे, मिलाएंगे और खूबसूरत खूबसूरत जगह दिखाएंगे कैमरे के आंख से। हमारे साथ रहना है, और ये देखिए जनाब बारिश में, और जनाब हमारे साथ रहना। अभी आगे भी हम आपको लेके जाएंगे, बारिश बहुत तेज है, वीडियो बनाना काफ़ी मुश्किल है। तो जनाब आइए चलते आगे की तरफ, ठंड हो रहा है यहाँ पे, काफ़ी ठंड है यहाँ पे। भाई कज़न जो भी आप समझे, वीडियो बना रहे इस वक्त, और ये खूबसूरत इलाका। जनाब इस वक्त हम लदा पहुंच चुके हैं, ये लदा है ये खूबसूरत इलाका, और आप लोगों को नजर आ रहा होगा ये लदा, पहाड़ों पे बादल, ये लदा है। और इससे आगे फिर सांप आएगा, सांप का इलाका, सांप एक नए में, और उससे आगे फिर कानीगुरम होगा। ये लदे का मार्केट जो पाक फौज ने बनाया इन लोगों के लिए। जनाब एक मरतबा फिर बारिश स्टार्ट हो चुकी है, और कनिगोरम भी नज़दीक है, तकरीबन 10 किलोमीटर ये रहता है। ये भी हमारी गाड़ी आ रही है इस वक्त, और ये पीछे भी हमारी गाड़ी है। तक यहाँ पे लोग आए हुए हैं, वीडियोस बना रहे हैं, कोई पिक्चर ले रहे हैं, सेल्फी बना रहे हैं। सो जनाब अभी मैं आप लोगों को आगे की तरफ लेके जा रहा हूँ, हमारे साथ रहना है। चलो अभी हम आपको व्यू पॉइंट दिखाएंगे, खूबसूरत व्यू है यहाँ पे, और बिल्कुल ऊपर हाइट पे हम लोग चल रहे हैं, और ये हाइट फिर हम आपको दिखाएंगे ऊपर से व्यू, थोड़ा बहुत यहाँ से भी देख लें, खूबसूरत व्यू इस वक्त आ रहा है। आर्मी की चेक पोस्ट है यहाँ पे, ये देखिए पाक फौज के जवान बैठे हुए हैं इस वक्त, खूबसूरत व्यू यहाँ से, इसे कहते हैं व्यू पॉइंट। इस साइड पे अगर आप देखिए जनाब, देखिए दिखाते हैं, ये गाड़ी हमारी खड़ी है, और ये हाइट ये देखिए जनाब, वाह। आइए जनाब नीचे उतरते हैं। जी जनाब इस वक्त हम काफी हाइट पे खड़े, व्यू पॉइंट इस वक्त जो पीछे बैकग्राउंड आप लोगों को नजर आ रहा है,
और ये साम है, साम का इलाका है, साउथ वजीरिस्तान का इलाका है। ये पीछे हमारे गाड़ियाँ कज़न वगैरह खड़े हैं इस वक्त, और ये खूबसूरत व्यू पॉइंट है इस वक्त जो आप लोगों को नज़र आ रहा है। वालों ने ये व्यू पॉइंट बनाया हुआ है, ये मतलब बारिश से महफूज, यहाँ पे आप खाना पिकनिक के लिए आ सकते हो, कुछ खा भी सकते हो, कुछ पी भी सकते हो यहाँ पे। और इसी तरह जनाब हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है, वीडियो को स्किप नहीं करना है, कमेंट लाजमी देना है। और पार्टी हम लोग आए हुए हैं, चार गाड़ियों में आए हुए हैं और ग्रुप पिछड़े खेच रहे हैं। व्यू पॉइंट काफ़ी हाइट पे हम लोग खड़े हैं। सो जनाब अगर आगे जाना पड़ा है तो फिर हम आपको आगे भी दिखाएंगे, हमारे साथ रहना। इस वक्त ज़बरदस्त कुकिंग हो गई और चावल भी इस वक्त रेडी हो चुके हैं, गोश्त भी रोड चावल में, और ये रोश तैयार हो रहे हैं। इश्पा का तेवर तेरा खुल चुका रसा तिश्पा का, और ये रोश, ये जनाब रोश रेडी हो रहे हैं, ये आप देख सकते हो खूबसूरत रोश, काफ़ी अच्छा स्मेल आ रहा है। इस वक्त फुल बारिश हो रही है, काफी तेज बारिश, और आप लोग देख सकते हो ये बाहर व्यू है, इस वक्त फुल स्पीड पे बारिश हो रही है। या अल्लाह खैर, बहुत तेज बारिश वक्त, और खाना भी बिल्कुल रेडी हो चुका है। ये शोर आपको आ रहा है बारिश की शोर, और ये खाना रेडी हो चुके हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं। जी जनाब, इस वक्त हम लोगों ने खाना खा लिया है और कनीगोरम के साइड पे गए नहीं क्योंकि टाइम कम है, 5:30 है इस वक्त, 5:30, और क्योंकि इतना टाइम नहीं होता कि हम कनीगोरम जाए और फिर घर भी जाना पड़ेगा, इसलिए हमने कनीगोरम को कैंसिल किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको हम कनीगोरम भी दिखाएंगे। फिलहाल हम यहाँ तक आए, ये साम का इलाका इसे कहा जाता है, और वापसी वापस जा रहे हैं। सो इंशाल्लाह आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होंगी, और वापसी भी कुछ अच्छे अच्छे जगह जो हम हमसे मिस हुए थे वो भी हम आपको दिखाएंगे, हमारे साथ रहना, इंशाल्लाह आप लोगों को मज़ा भी आएगा। सो चलिए जनाब आगे की तरफ रवाना होते हैं। काफ़ी अच्छा मौसम है इस वक्त जो आप लोग देख सकते हो, थोड़ी देर पहले बारिश हुई थी, और वापस जा रहे हैं हम अपने घर के साइट पे इस वक्त। आई होप कि आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी हुई होगी, इसी तरह वीडियो मैं बनाता रहूँगा और आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा। लेकिन आप लोगों ने मेरे चैनल को लाइक भी करना है, कमेंट भी देना है, और सब्सक्राइब भी करना है। आज की वीडियो थी साउथ वजीरिस्तान के बारे में जो मैं आप लोगों को गाइड कर रहा था। देर पहले यहाँ पर बारिश हुई थी और ये बारिश का पानी, और जनाब अभी मुझे दीजिए इजाज़त, नेक्स्ट वीडियो में फिर मैं आप लोगों के साथ मिलूंगा, तब तक दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखना, शुक्रिया।